नमस्कार दोस्तों, गीता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलगुले मीठे। चलिए आप लोगों को सामग्री दिखा देते हैं हमने क्या क्या लिया है मीठे गुलगुले बनाने के लिए। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लास्ट तक देखिएगा। ये हमने एक कटोरी आटा लिया था, गेहूं का आटा है ये। और ये हमने 4-5 इलायची ली, ये हमने कद्दूकस करके नारियल लिया, और ये हमने चीनी लिया है। चलिए आप लोगों को बना के दिखाते हैं हम किस तरीके से मीठे गुलगुले बनाते हैं। और इसमें हम नारियल डाल देंगे, अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। और अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। और इलायची को हम कूट लेते हैं, हमने अच्छे से कूट लिया था फिर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं, आटे को बहुत अच्छे से घोलेंगे, ज़्यादा अच्छे से घोलेंगे तभी मतलब ये अच्छे से फूलेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से घोल लेंगे, इसको अच्छा घोल बना लेंगे। और प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, 5 मिनट का ही है, तो आप लोग इसको फुल वॉच कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आटा को जितने अच्छे से हम घोटेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा गुलगुला। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको गुलगुले बोलते हैं, गुलगुले गुलगुला ऐसे बोलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसको जितना अच्छे से फेंट लो उतना ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हमने आटे को बहुत अच्छे से फेंट लिया था, इसमें थोड़ी सी चीनी थी मैंने उसको भी डाल दिया है। और इसको हम 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और 15-20 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके थे, कढ़ाई में हमने तेल लगा दिया है। ये आप लोग रिफाइंड में भी बना सकते हो, सरसों के तेल में भी बना सकते हो। इधर आप लोग देख सकते हो हमारा आटा कितना अच्छा एकदम परफेक्ट बना हुआ है घोल उसका। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, ये नमक डाल के भी बनता है और गुड़ डाल के भी बनता है, चीनी डाल के भी बनता है। तो हम आप लोग पास से दिखा देते हैं घोल, एकदम अच्छा बना है। बाकी जो इसमें गांठ जैसी दिख रही है नारियल है, और घोल बहुत ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बन के तैयार है। पूरा अच्छे से तैयार हो चुका था हमारा घोल। अब हम इसको बना देंगे हाथ से, छोटे छोटे पीस में पतला पतला सा डालेंगे। आप लोग देख सकते हो कितना पतला मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा फूलता है, मोटा मोटा हो जाता है। इसी तरीके से हम सारे तेल में लगा देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे गुलगुले जो हैं वो अच्छे फूले हैं एकदम, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे फूले हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, कलर भी बहुत प्यारा आया है। जब हल्का फुल्का कुछ मीठे खाने का मन करे तो आप लोग इसको बनाइएगा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसी तरीके से हमने दूसरे भी डाल दिए थे, तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छे फूले हैं, एकदम गोल गप्पे कोई जैसे फूला है गोल गोल, और एकदम बिल्कुल पतला पतला मैंने डाला है। और उनको हमने पलट दिया, वो भी सिक गए हैं, उनको भी मैंने निकाल लिया। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे।
और आप लोग पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल पे जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे गुलगुले बन के तैयार हैं। हमारे गुलगुले आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।